हाँ, अब सब लोग आ गए, अब तो बता दे सबको इकट्ठा क्यों किया। अरे बहुत ही जरूरी बात है दादी, आप सबको एक खुशखबरी देनी है और आपके साथ कुछ शेयर भी करना है। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। कौन सी तेरी फ्रेंड? ओह दीदी, एक ही तो इसकी फ्रेंड है, ये उसी की बात कर रही है। हाँ दासी, मेरी एक ही फ्रेंड है तन्नु, और उसी का बर्थडे आज। कम ऑन, विश तो करो उसे। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तन्नु। थैंक यू। यस, लेकिन सिर्फ विश करने से काम नहीं चलेगा, हमें इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा, और वो भी हमारे खुद के घर में। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसकी फैमिली यहाँ पर बॉम्बे में आने वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट पे सबकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। सो तनु उन सबको बहुत मिस कर रही थी, एंड यू नो शी वाज फीलिंग लोनली। तो मैंने बोला कि हमारा घर भी तो इसी का घर है। क्यों दादी, हम भी तो इसकी फैमिली है ना। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने गलत कहा तो ठीक है, मैं उसको। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है ना, तो इसका बर्थडे हमारे घर में मनाया जाए, हमें तो खुशी ही होगी ना भाई। थैंक यू सो मच दादी, यू आर द बेस्टेस्ट। वैसे तो मुझे केक खाना मना है, लेकिन मुफ्त का केक मुझे अच्छा लगता है। दीदी का मतलब ये है कि हम फॉर्मेलिटी नहीं निभाते, ना पार्टी लेने में ना गिफ्ट देने में। घर हमारा और बर्थडे बाहर वालों का, घर को तो जैसे धर्मशाला बना दिया है। बस इनकी खातिरदारियां करो और खुद जलते भुनते रहो। वैसे मम्मी, तेरा बर्थडे कब पड़ता है? क्यों, अब आपको मेरा जन्मदिन मनाना है क्या? नहीं, क्या मना तो सकते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में ना बर्थडे नहीं मनाया जाता, 13वीं की तैयारियां की जाती हैं। क्या कहा आपने? नहीं, मैं कह रहा था कि तेरा बर्थडे तो किसी ने मनाना नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तीर्थ पे हो जाता हूँ, तेरे पाप भी कम हो जाएंगे। अब प्रज्ञा भाभी, I know जो हुआ उसके बाद it's a little uncomfortable, but I hope कि आपको तनु की पार्टी इस घर में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। You know she's feeling a little alone. आलिया देखो, हम किसी भी चीज के लिए श्योर भी तो नहीं है ना, और तनु तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, और आज उसका स्पेशल डे है, तो तुम्हें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए उसका बर्थडे। थैंक यू सो मच। इस तनु को ना कुछ करना ही पड़ेगा, पर निकल आया उसके। नहीं, ये सही टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बर्थडे है ना, बर्थडे के दिन कैसे, मेरा मतलब है आज के दिन हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे इन्हें बुरा लगे। नहीं, तू ये कैसी बातें कर रही है? देख, हम लोग अच्छे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ कुछ भी करे, हम लोग चुपचाप बैठे रहे। अरे चुप रहने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आज के दिन का इंतजार कर ले और फिर उसे कुछ करने तो दे, तब हम जवाब देंगे ना। कल उसने इतना सब कुछ किया, उसके बाद तू कह रही कि हम इंतजार करते रहे। क्या किया उसने कल? दीप, उसने जीजू का आउटफिट फाड़ा। क्या? हाँ, और जानबूझ के कैची चले। क्या बोल रही बुलबुल? ये उसने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि तुझ में और जीजू के बीच में झगड़ा हो और तुम दोनों के बीच में दरारें पैदा हो। तुझे ये सब कैसे पता चला? दी उसने खुद ने कहा, उसने ये भी कहा कि वो ऐसा करती रहेगी, और उसने ये भी कहा कि जिस किसी में भी हिम्मत है आके उसे रोक ले। कहा उसने? हाँ दी, ओपन चैलेंज दिया है, उसने कहा है कि तेरे और जीजू के बीच में वो दरारें पैदा कर कर ही रहेगी, कभी एक नहीं होने देगी। उसका बर्थडे है ना, तो उसे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसा गिफ्ट देना पड़ेगा ताकि वो जिंदगी भर याद रखे। तो ये तू सिखाएगी या मैं सिखाऊँ? नहीं, तू कुछ नहीं करेगी, ठीक है? देख बुलबुल, उसने मेरे साथ गलत किया ना, तो मैं ही उसे सबक सिखाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का, सोच ले। ये पक्का? तू देख। देख तू, मार्च पास करने के लिए नहीं कहा है, सबक सिखाने के लिए कहा है। ती
तुझे देख के ना ऐसा लगता है कि तुझ में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। देख तेरे पास ना अब भी टाइम है, ये काम ना तू मुझे सौंप दे। मैं उसे नहीं बोल बोलती, तू कुछ नहीं करेगी, मैं सबक सिखाऊंगी ना उसे। अगर तूने उसे सबक नहीं सिखाया तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? दी प्रॉमिस कर, अगर तूने तनु को सबक नहीं सिखाया तो तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। ये ले तनु, ग्रीन टी। क्या लिया? मेरे बर्थडे पे भी तुम मुझे ग्रीन टी पिला रही हो? कम ऑन यार, शाम का इंतजार कर, फिर उसके बाद देखो कितना मजा आएगा। ये ले, हैव योर ग्रीन टी। वैसे भाई कहाँ पर है? सुबह से नजर ही नहीं आए। आई थिंक वो मेरे ही काम से बाहर गया है। तुम्हारे काम से? तुम्हारा कौन सा काम? लास्ट नाइट मैंने उसे फोन किया था मेरा बर्थडे याद दिलाने के लिए। आई एम श्योर उसी की तैयारी के लिए गया होगा। नाइस, बट आई होप कि तुम वो काम नहीं भूली जो मैंने तुम्हें कहा था। डोंट वरी, लास्ट टाइम मैं और अभी आउटिंग पे गए थे और वो चाहता है कि मैं अपने हर बर्थडे पे खुश रहूं। आई एम श्योर इस बार भी कुछ स्पेशल ही होगा। और अब तो दादी भी ठीक हो गई है और तुमने भी अपनी शादी का इरादा चेंज कर लिया है। हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट आई मीन, अभी की नजरों में मैं अभी को इमोशनली ब्लैकमेल कर दूंगी ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए मना ही ना कर पाए। ये जो तुम सोच रही हो ना, इतना आसान नहीं होने वाला। इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। बस वीरा, एक बात मत भूलना, भाई दादी से बहुत प्यार करते हैं और दादी की नजरों में आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन उस बहन जी की बहुत ही रिस्पेक्ट है। चिल बेबी, मैं अभी के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लूंगी कि उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और फिर मेरा चैलेंज जीतने से ना वो मुझे बहन जी रोक सकती और ना ही वो उसकी बहन। ओके, मैं तैयार होने जा रही हूँ। तैयार होने? पार्टी शाम को है स्वीटहार्ट, अभी बहुत टाइम है। हाँ आई नो, पर स्पेशल इवनिंग है ना, तो तैयार भी स्पेशल होना पड़ेगा। पर वैसे भी मैं ऐसे तैयार होना चाहती हूँ कि अभी मेरे अलावा किसी और को देखे भी ना। वैसे भी भाई तुम्हारे अलावा देखता किसे है? बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। केक है, कैंडल तो लगाओ। कैंडल तो लगनी चाहिए। तो देखो कितने कैंडल रखी हैं यहाँ पर, इससे उसकी उम्र का पता चलेगा। करती ना सब गड़बड़, सब उल्टा लिखा है। लिखा क्या हुआ है? दीदी इस पे लिखा है कि ये लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत है, मगर सबसे खूबसूरत तो हमारी प्रज्ञा है ना, और आज उसका बर्थडे भी नहीं है। कुछ प्लान किया? अरे वो मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला? What do you mean, मौका नहीं मिला? दी, मौके का ना इंतजार नहीं करना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है। तुझसे ना कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, तू उसे नीचे आने दे ना, फिर तू देख 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 ही रही हो। ये बर्थडे केक आ गया है, बर्थडे गर्ल का है, सब इंतजार कर रहे हैं उसका। हाँ भाई, बस थोड़ा सा पेशेंस, आती ही होगी। अरे प्रज्ञा, अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? दादी वो किचन में थोड़ा काम था इसलिए। वो सब बाद में कर लेना, देखती नहीं अभी कितना उदास है। आजा इसके पास आजा। दादी किसने कहा कि मैं उदास हूँ? तू चुप कर, तुझे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तू अपने आप को भी इतना नहीं जानता। अब चल तू उसके पास जा। जाना चरण में तू जा। क्या जादू किया तुमने सब पर? लोकेशन किसी का भी हो, इम्पोर्टेंस तुम्हें ही मिलती। तुम्हें मुझे की इम्पोर्टेंस? मेरे पति है ना। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
दीदी आज इसका जन्मदिन है या फैशन शो? सोचेगा भी मत, जहां है वहीं खड़े रही। क्यों दादी? भाई रुक जाओ अभी, if you don't mind भाई अब जाकर तनु को रिसीव करो ना प्लीज। लुक एट हर, शी इज सो सैड। आलिया, दादी। दादी प्लीज। थैंक यू दादी, आज उसका स्पेशल डे है ना, तो शी शुड फील स्पेशल। He's forcing. Happy birthday. Chale. Happy birthday, sweetheart. Thank you. You're looking so pretty as always. Thank you. Tanu bhi yahan par aa gayi hai to cake kaate bhai. Of course, we should. What are you waiting for? Let's go. Come on. Tanu, aao. Tanu, cake is waiting for you. Aao. लो जी, इनका तो हो गया हैप्पी वाला बर्थडे, बिना हाथ लगाए मुंह से केक काट लिया इन्होंने तो। मेरा तो केक खाने को मन ही नहीं करता है। अरे बेटा वनीला केक मंगा लेती, कम से कम चॉकलेट केक से मुंह तो काला नहीं होता ना। लो इसमें हंसने की क्या बात है, कोई गिर भी नहीं सकता। आज लगता है इसको मेकअप कम पड़ गया था, जिसने चॉकलेट केक लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, जा मुंह धो के आ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। चलो फ्रेश होते। हाँ जल्दी जल्दी जा, अगर तुझे इस हाल में बंटी बबली ने देख लिया ना तो दोनों डर जाएंगे बेचारे। तू चल मेरे साथ। अंगूर अगर खाने ना मिले तो समझ लेना चाहिए कि खट्टे थे। केक तो खराब ही होगा। रिलैक्स तनु, सिर्फ तुम्हारा केक खराब हुआ है, बर्थडे नहीं। हम नया केक मंगवा लेंगे, ऑलराइट? हाँ, और वो केक आने से मैं खुश हो जाऊंगी ना। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा फेवरेट केक मंगवाऊंगा, चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरी। प्लीज अभी
मुझे बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश मत करो। मैंने आज तक अपना बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जहाँ लोग मुझ पे हंस रहे हो। लोग नहीं तनु, सिर्फ हमारे घर वाले। क्या जरूरत थी तुम्हें ड्रेस पहनने की, पूछ वाली ड्रेस? इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। अच्छा, मतलब तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई? अभी ये ड्रेस स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए पहनी और तुम इसी में कमी निकाल रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि ये ड्रेस अच्छी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी गिरने की वजह ये ड्रेस है। तनु रिलैक्स, मैं अभी ठीक कर लूंगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें स्प्रे मारना भी नहीं आता? नु, मैं भी आंख भी नहीं खोल पा रही। तुम यू नो व्हाट, तुम बिल्कुल फालतू हो। क्या कहा तुमने? मैं फालतू नहीं था, एक्चुअली मैं पागल हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया। पता है 3 घंटे लगे मुझे ये इयररिंग सेलेक्ट करने में और तुमसे 3 मिनट की हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही। फालतू मैंने, फालतू तुम हो जो तुम मेरे परिवार को समझ नहीं पाई। अरे तुमसे अच्छी तो वो फुकी है जिसके साथ जितना मजाक कर लो ना उसे बुरा नहीं लगता, उसके लिए थोड़ा करो तो उसे बहुत ज्यादा लगता है और तुम्हारे लिए जितना भी करो ना तुम्हें कम ही लगता है। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता? I've got only 3 words for you, Tanu. Go. Do. Hell. अभी I'm really sorry. गुस्से में ऐसी बातें निकल जाती है ना मुझे, आगे से ऐसा नहीं होगा, I promise. अच्छा गुस्सा छोड़ो, मुझे ये टिश्यू दो। देखो अगर मुझे टिश्यू नहीं दोगे ना मैं मुंह साफ नहीं करूंगी और मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी पूरा दिन। स्वीट ऑफ यू। अच्छा चलो टिश्यू दो मुझे, दो। अच्छा एक काम करो, तुम ही मेरा फेस साफ कर लो। अब तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे साफ करो। अब ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस, प्लीज। क्या सोच रहे हो, साफ करो ना। तुम मस्ती कर रहे हो, साफ करो। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। चल ना, हम क्यों कबाब में हड्डी बने। अच्छा ये बताओ केक में कैसे लग रही हूँ? अब शायद अच्छी लग रही होगी और तुम्हें तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, है ना? अच्छा बताओ आज मुझे कहाँ घुमाने ले जा रहे हो? शॉपिंग। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत किसी हुई मुझे टच करने की? अभी क्या भी जाओ यहाँ से। यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। जो भी प्लान किया था सब बर्बाद हो गया। आई डोंट नो, मुझे अभी वाज राइट, मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। गलती तो उस बुलबुल की है, उसने तुम्हारी ड्रेस पर पैर रखा था, इसकी वजह से तुम गिर गई। बुलबुल? उसी ने तुम्हें जानबूझ के गिराया। बिल्कुल अपनी बहन की तरह ओवर स्मार्ट है, चश्मा नहीं पहनती है लेकिन फिर भी दूर का देख लेती है। आई टोल्ड यू बिफोर ओनली, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट हर। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। अगर तुझे पहले सबक सिखाती ना तो आज ही नौबत नहीं आती। लेकिन सबक सिखाने के और भी तो तरीके होते हैं। तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी थी, और वैसे भी तू अपनी शर्त हार चुकी, इसलिए तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। शर्त? डोंट टेल मी तू भूल गई। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर तू तनु को सबक नहीं सिखाएगी ना तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। याद है मुझे, लेकिन तूने वो शर्त सीरियसली लगाई थी। तेरे और चीजों से रिलेटेड हर बात सीरियस ही होती है। लेकिन देख दी, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो पहले पता, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मुझे या माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तू टेंशन मत लेना, देख तू बस वैसा कर जैसा मैं कहती हूँ, उसी में तेरी खुशी है। मेरी खुशी? हाँ, तेरी खुशी चीजों के साथ है। अगर ऐसी ही बात थी तो तुझे शर्त लगाने की क्या जरूरत है, मैं यूं ही कर देती। बता क्या कर, पर प्रॉमिस करेगी ना? हाँ करूंगी, तू बोल तो सही। दी, तू चीजों से प्यार करती है ना? हाँ, तो तुझे बस ये करना होगा कि
तू ना चीजू को जाके बता दे कि तू चीजू के लिए क्या फील कर रही है।